जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल फॉर्म सप्लाई एक इजी ट्रिक्स में। तो आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने मोबाइल नंबर पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि जितनी चाहे उतनी जीमेल आईडी बना सकते हैं, वो भी बिना किसी मोबाइल नंबर के। यहाँ पर आपको किसी भी मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, तो आइए आज हम बात करते हैं कि कैसे आप ये आईडी बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना, आपको पहले अपने मोबाइल पर चले जाना है। मोबाइल पर जाने के बाद आपको क्या करना है, क्या करना है, यहाँ पर जो जीमेल आईडी लिखा है, जीमेल लिखा है, आपको इस जीमेल पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप जीमेल आईडी पे आ जाएंगे, आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, जो यहाँ पर जो झंडे का निशान बना हुआ है, आपके सामने आपकी प्रोफाइल का निशान बना होगा, यहाँ पर इस प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे नीचे यहाँ पर लिखा है ऐड एन अदर अकाउंट, तो आपको इस ऐड एन अदर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, जो गूगल लिखा है, इस गूगल पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप गूगल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट लिखा है, आपको इस क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर लिखा है फॉर माई सेल्फ, तो आपको उसके फॉर माई सेल्फ पे चूज कर लेना। तो जैसे ही आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा, आपके सामने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम दे देना है। तो यहाँ पर आपका जो भी फर्स्ट नेम होगा, तो यहाँ पर आप अपना दे देंगे, जैसे कि मैं अपना दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखा लास्ट नेम, तो यहाँ पर अपना लास्ट नेम दे देना, जो भी आपका लास्ट नेम होगा, और सरनेम जो भी हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना। पहले आपको यहाँ पर अपना महीना चूज कर लेना, यहाँ पर अपनी डेट जो भी होगी आपकी डेट दे देना है आपको। और उसके बाद यहाँ पर जो भी ईयर है, आपने कौन सा ईयर में आपका जन्म हुआ था, वो आपको यहाँ पर दे देना। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर जो भी होगा, आप मेल है, फीमेल है, या जो भी है, आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे आप इस पर दे देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट लिखा है, इस नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी खुद की ईमेल आईडी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो यूज मोबाइल नंबर लिखा है, आपको इस पर क्लिक नहीं करना। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी बनानी है, जो भी आप अपने मन से चाहे बना सकते हैं, जो भी लिखना चाहे, जैसे मैंने ये लिख दिया है। और यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर आप जैसे नेक्स्ट करेंगे, तो आपके सामने ये गलत अगर होगी, तो आपके सामने ये लिख जाएगा। फिर आप यहाँ पर एक दो जोड़ सकते हैं, फिर आपको देखेंगे चेक करके, फिर आपको गड़बड़ है, तो आप यहाँ पर और कोई डिजिट जोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर ऐसे करके फिर और जोड़ सकते हैं। तो फिर यहाँ पर आप फिर से ऐसे देख सकते हैं, तो ऐसे करके लास्ट में मेरा ऐसे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा पासवर्ड, तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड देना है। यहाँ पर आपको अपना खुद का पासवर्ड बना देना, जो भी आप पासवर्ड बना देंगे। पासवर्ड बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर लिखा है आईडी और फोन नंबर, तो यहाँ पर मुझे नहीं करना, मैं यहाँ पर नीचे चला जाऊँगा। और आई एम इन, इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, स्किप जो लिखा है, आपको यहाँ पर स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपके सामने ये आपकी ईमेल आईडी लिखी आ जाएगी, ईमेल आईडी आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा आई एम एग्री, तो आप यहाँ पर एम एग्री पर, और यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं, और आई एम एग्री पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपके सामने आई एम एग्री पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पेज आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज खुल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपकी रजत नाम से एक ईमेल आईडी बन गई होगी, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे, आप जो यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहाँ पर ये लिखी हुई रजत नाम की ईमेल आईडी, मेरी ईमेल आईडी बन गई। ऐसे करके आप जितनी चाहे उतनी ईमेल आईडी बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्लीज़ अपना प्यार देना ना भूलें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और मैं आपके सामने ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको ईमेल बनाने में या अभी भी कोई समस्या है ईमेल से संबंधित, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपकी समस्या का बिल्कुल हल करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप और आगे क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।